सभा क्षेत्र का धन्यवाद है उसके लिए। हमारे पार्टी के प्रत्याशी हुशार सिंह जी का नॉमिनेशन का कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ भी, और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से जोश और जुनून के साथ पूरा देहरा विधानसभा क्षेत्र जो है उसके कार्यक्रम में आज जुटा हुआ था, जीत निश्चित है, शानदार जीत हुशार सिंह जी की होगी। और ये चुनाव की जो नौबत आई है तो कांग्रेस के लिए, अगर मुख्यमंत्री जो बार बार कह रहे हैं कि ये क्यों आई क्यों आई, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल तो वही इस बात को जानते हैं, और दोषी अगर है इस सारी चीज़ के लिए तो स्वयं अपने आप। ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ भी हो सकता था, जो कृषि उपचुनाव हुए उसके साथ भी हो सकता था, जानबूझ करके ये चुनाव क्यों टाले। और आज जो करोड़ों रुपए का खर्चा इन चुनावों में होगा, ये तीन उपचुनाव जो हो रहे हैं इसके लिए जिम्मेवार कौन? तो स्वाभाविक रूप से अगर जिम्मेवार हैं तो इसके लिए तो प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के मुखिया सुप्रिंदर सिंह सुक्खू। सब क्या मानते हैं धर्मपत्नी को चुनाव में? लेकिन मैं इस सारी चीज़ को लेकर के ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हुशार सिंह जी ने बहुत बेहतर ढंग से किया, और ये इतिहास का हिस्सा है कि लगातार दो बार निर्दलीय विधायक चुन करके आना ये सहज रूप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसको लोग चाहते हैं, लोग पसंद करते हैं, लोगों को जिन पर भरोसा है वही जो है वो बार बार इस प्रकार से चुन करके आ सकते हैं। और अब की बार पार्टी ने तय किया कि उनको, जब इन्होंने हमारी मदद की एक मामले को लेकर के, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता तो हमने पार्टी का टिकट दिया और पार्टी के प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे निश्चित रूप से। सर, जिस तरह से उनके कोषाध्यक्ष